व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करेंगे नाइंसाफी, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बेबाक लिखने वाले मकबूल शायर फैज अहमद फैज के बारे में। फैज अहमद फैज का जन्म 13 फरवरी 1911 को लाहौर के पास सियालकोट शहर में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी और अरबी में एमए किया और एमएओ कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर बने। 1936 में वो प्रगतिवादी लेखक संघ से जुड़ गए और पंजाब में प्रगतिशील लेखक संगठन की शाखा स्थापित की। बंटवारे के बाद फैज पाकिस्तान चले गए। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ फैज की शायरी हमेशा बुलंद होती रही। फैज को अपने लेखन के लिए जेल भी जाना पड़ा, पर उनकी कलम के तेवर कम नहीं हुए। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर से दम सहलें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है, जिसमें हर घड़ी दर्द के पैवंद लगे जाते हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं, अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है, अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम, आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है, ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी के शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। इंकलाब पर बंदिशें लगाना वैसा ही है जैसे हवाओं से खुशबू को पिंजरे में कैद करना। शायर से कागज कलम भले ही छिन गया था, मगर जज्बात और हिम्मत नहीं। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबोली है उंगलियां मैंने, जुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हलके जंजीर में जुबां मैंने। 1978 से लेकर 1982 तक का दौर उन्होंने निर्वासन में गुजारा, फिर भी फैज ने अपने तेवर और विचारों से कभी समझौता नहीं किया। निसार मैं तेरी गलियों के, ऐ वतन के जहां, चली है रस्म की कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। फैज अहमद फैज एक बेमिसाल शायर थे। उनकी शायरी में एहसास, बदलाव, प्रेम और सुकून सभी कुछ था। गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में ले के गरीबां का तार तार चले, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुयेदार चले। फैज को जिंदगी की खूबसूरती से प्यार था। उनकी हैसियत एक बेमिसाल शायर की थी। उनके कलाम बेहद मकबूल हुए। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं, मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आए जा दे आए, दिल वालों को जाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं, गरबाजी इश्क की बाजी है जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वो कहते हैं तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, हदीस यार के उनवा निखरने लगते हैं, तो हर हरीम में गेसू सवरने लगते हैं, हर अजनबी हमें महरम दिखाई देता है, जो भी तेरी गली से गुजरने लगते हैं, सबा से करते हैं गुर्बत नसीब जिक्र वतन,
तो चश्मे सुबह में आंसू उभरने लगते हैं, दरे कफस पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फैज दिल में सितारे उतरने लगते हैं। फैज की शायरी सताए हुए लोगों की उम्मीदों और सपनों को आवाज देने वाली है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार जब से है, न शब को दिन से शिकायत न दिन को शब से है, किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरी सबब से है, हुआ है जब से दिले ना सबूर बेकाबू, कलाम तुझसे नजर को बड़ी अदब से है, अगर शरर है तो भड़के जो फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंग लब से है, कहाँ गए शबे फुरकत के जागने वाले, सितारा ए सहर हम कलाम कब से है। फैज अहमद फैज उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम है जिनकी शायरी आज भी मजलूमों के लिए हिम्मत का काम करती है। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है, हुई है हजरत नासे से गुप्तगु जिस शब, वो शब जरूर सरे कुए यार गुजरी है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है, चमन पे गारत गुल ची से जाने क्या गुजरी, कफस से आज सबा बेकरार गुजरी है। फैज कहते हैं, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मैसर तो आरजू ही सही, न तन में खून फराहम न अश्क आंखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवजू ही सही, किसी तरह तो जमे बज्म मैं कदे वालो, नहीं जो वादा वो सागर तो हाव हू ही सही, अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक ए दिल, किसी के वादा फरदा की गुफ्तगु ही सही, दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। वामपंथी विचारों के समर्थक रहे फैज की कविता हकीकत के तीखे एहसास बदलाव और प्रेम की जमीन पर उपजती है। कर्जे निगाह यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसारे राह वफा कर चुके हैं हम, कुछ इम्तहाने दस्त जफा कर चुके हैं हम, कुछ उनकी दस्तरस का पता कर चुके हैं हम, अब एहतियात की कोई सूरत नहीं रही, कातिल से रस्म राह सिवा कर चुके हैं हम, देखे हैं कौन कौन जरूरत नहीं रही, कुए सितम में सबको खफा कर चुके हैं हम, अब अपना इख्तियार है चाहे जहां चलें, रहबर से अपनी राह जुदा कर चुके हैं हम, उनकी नजर में क्या करें फीका है अब भी रंग, जितना लहू था सर्फ कबा कर चुके हैं हम, कुछ अपने दिल की खून का भी शुक्राना चाहिए, सौ बार उनकी खून का गिला कर चुके हैं हम। बेड़ियों को तोड़कर दुनिया को बदलने का जज्बा फैज की शायरी में है। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे सुनते थे सहर होगी, कब जान लहू होगी कब अश्क गुहर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ऐ दीदा तर होगी, कब महकेगा फसले गुल कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी कब शाम नजर होगी, वाइज है न जाहिद है ना से है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी, कब तक अभी राह देखें ऐ कामते जानाना, कब हर्ष मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी। फैज कहते हैं, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो असाब आए, बामए मीना से महताब उतरे दस्ते साखी में आफताब आए, हर रंग खू में फिर चरागा हो सामने फिर वो बेनकाब आए, उम्र के हर वरक पे दिल की नजर तेरी मेहरो वफा के बाव आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब आज तुम याद बेहिसाब आए, न गई तेरे गम की सरदारी दिल में यूं रोज इंकलाब आए, जल उठे बज़्म में गैर के दरोबाम जब भी हम खानुमा खराब आए,
اس طرح اپنی خاموشی گونجی، گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ فیض تھی راہ سربسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ بھارت میں آزادی آئی تب جو حالات تھے انہیں دیکھ کر سبھی کو لگا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جس کی ہم نے خواہش کی تھی۔ فیض کو بھی یہی لگا تھا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل۔ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ فیض ایسے فنکار ہیں جو پریمیوں کو پریم، کرانتکاریوں کو کرانتی، اور امید پرستوں کو امید کے چرم تک لے جانے کی قوت رکھتے ہیں۔ بات بس سے نکل چلی ہے، دل کی حالت سنبھل چلی ہے، اب جنوں حد سے بڑھ چلا ہے، بات بس سے نکل چلی ہے، اب طبیعت بہل چلی ہے، اشک خوناب ہو چلے ہیں، غم کی رنگت بدل چلی ہے، یا یوں ہی بجھ رہی ہے شمع میں، یا شب ہجر ٹل چلی ہے، لاکھ پیغام ہو گئے ہیں جب صبا ایک پل چلی ہے، جاؤ اب سو رہو ستاروں، درد کی رات ڈھل چکی ہے۔ فیض احمد فیض جنتا کو ادبودھت بھی کرتے ہیں کہ بولنا زندہ ہونا ہے، بول کی لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تیری ہے، تیرا ستوا جسم ہے تیرا، بول کی جان اب تیری ہے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، بول زباں اب تیری ہے۔ فیض کی شاعری کہتی ہے کہ ایک دن دنیا بدل جائے گی اور اصل میں جنتا کا راج ہوگا، تمام طرح کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، ظلمتوں کے دور سے مکتی کی آشا لیے۔ فیض لکھتے ہیں، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کی کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سب تاج اچھا لے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ پریم انسانیت، سنگھرش، پیڑا اور کرانتی کو ایک سوتر میں پیرونے والے انوٹھے شاعر کے روپ میں فیض کا قد بہت اونچا ہے۔ راجنیتک، ساماجک اور ویچارک سنگھرشوں کے بیچ پریم اور انسانیت کو کیسے زندہ رکھا جائے، اس کا سب سے اچھا برقعہ فیض احمد فیض نے رچا۔ آ کی وابستہ ہے اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا ہے، جس کی الفت نے بھلا رکھی تھی دنیا، ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ ان کی کویتاؤں میں تمام ملکوں کے بے سہارا لوگوں اور یتیموں کی آوازیں درج ہیں، جو انہیں لگاتار ایک جد و جہد کرتے ہوئے شاعر کے روپ میں استھاپت کرتی ہیں۔ فیض کو گزرے ہوئے کئی دشک گزر چکے ہیں، لیکن وہ اپنے دور کے شاعر لگتے ہیں جن کے پاس دنیاوی سنگھرش کا حوصلہ بھی ملتا ہے، تو ذاتی بھاوناؤں کے لیے بے حد کارگر مرہم بھی موجود ہے۔ جیسے سہراؤں میں حولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں، چلو فیض پھر سے کہیں دل لگائیں، سنا ہے ٹھکانے کے دن آ رہے ہیں۔ فیض نے اپنی شاعری میں عام لوگوں کے دکھ درد کو جگہ دی۔ فیض نے اپنے شاعرانہ انداز میں پریم محبت کی شاعری کے بارے میں کہا، مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نکو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کتے نامک اپنی نظم میں فیض نے سروہارا ورگ کی طاقت کے بارے میں لکھا۔ فیض کا ماننا ہے کہ جس دن سروہارا کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا، اس دن
वो दुनिया को बदल कर रख देंगे। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको जौके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में पसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठीकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक कर सर उठाएं तो इंसान सब सरकशी भूल जाएं। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। फैज दरअसल टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्हें इस बात का मलाल ताउम्र रहा कि वो क्रिकेटर नहीं बन सके। उनकी शायरी में कई बार ये देखने को मिलता है कि जो नहीं हुआ उसे वो भूल जाया करते हैं। अब अपना इख्तियार है, चाहे जहां चलें, रहबर से अपनी राह जुदा कर चुके हैं हम। फैज मोहब्बत भी बखूबी करते हैं और इंकलाबी भी बेहद सख्त नजर आते हैं। वे कहते हैं कि आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। इसके अलावा उन्हें दर्द का भी इल्म है, एक तर्ज तगाफुल है, सो वो उनको मुबारक। एक तर्ज तमन्ना है, सो हम करते रहेंगे। महबूब के दिल को अपने शब्दों से बुनना भी फैज को बखूबी आता था, इसीलिए उन्हें इश्क और इंकलाब का शायर कहा जाता है। हम मुसाफिर यूं ही मसरूफ़ सफर जाएंगे, बेनिशां हो गए जब शहर तो घर जाएंगे। किस कदर होगा यहाँ मेहर वफा का मातम, हम तेरी याद से जिस रोज उतर जाएंगे। जौहरी बंद किए जाते हैं बाजार सुखन, हम किसे बेचने अलमास गुहर जाएंगे। नेमत जीस्त का ये कर्ज चुकेगा कैसे, लाख घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। शायद अपना ही कोई बैत हुदी ख्वां बनकर, साथ जाएगा मेरे यार जिधर जाएंगे। फैज आते हैं रहे इश्क में जो सख्त मकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इस अजीम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। बीरा है मैं कदा खुबो सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए। और यदि आपने YouTube चैनल वाइट इंक एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।